ऐसे सांप दोस्तों दिख रहे हैं हमारे भारत के जो सबसे जहरीले हैं। भैया थोड़ा शांति बनाएंगे तो दोस्तों आज फिर से मैं उसी बदायूं जिले में आ चुका हूँ जहाँ पर दोस्तों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था मेरा। आप लोगों ने उसमें बहुत सारी मोहब्बत दिया और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। एक कुआं था दोस्तों जिसके अंदर तीन कुत्ते गिरे हुए थे जिसमें एक फीमेल थी और दो मेल थे। ऐसा कमेंट आया दोस्तों कि मैं कुएं के अंदर उस कुत्ते को डाल करके वीडियो बनाया हूँ, उसके अंदर का मन कर रहा था, अजगर बहुत सारे सांप भरे पड़े थे, कुत्ता गिरा हुआ था, तो वीडियो बहुत वायरल हुआ। लेकिन आज दोस्तों हैरत अंगेज कारनामा फिर से एक बार आपको देखने को मिलेगा उसी पावन सरजमी में, उसी बदायूं ज़िले में मैं आ चुका हूँ। एक कुआं है और उसके अंदर बहुत से सारे सांप भरे पड़े हैं दोस्तों। कोठरी है, कोठरी के अंदर कुआं है और कुएं के अंदर सांप है, मतलब सांप की कोठरी है। एक बार फिर से दोस्तों मैं उनकी ज़ुबानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जिनका कुआं है अगर किसी को डाउट होता है, एक पैसे का भी कहीं से डाउट होता है, आपको नाम पता गांव ज़िले का नाम सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। इन सब का चेहरा आप रूबरू हो जाइए। अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ पर आइए। अगर ये वीडियो आपको मिस होती है मेरी तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम आपको दिया जाएगा दोस्तों। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ, लोग उंगली उठा देते हैं लेकिन एक बार सोच लीजिए कि क्या आप भी इतना अच्छा कर सकते हैं। एक पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जीवों को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी टीम भारत के कोने कोने जाती है। बड़ा हौसला चाहिए दोस्तों, कमेंट करना बड़ा आसान है। हाँ आपा जी, कितने सांप इसके अंदर गिरे होंगे? 10 से 15 तक होंगे। आप बताइए चाचा। 15 दोस्तों, इनका कहने का मतलब है ये चाचा जी हैं, इन्होंने कह रहे हैं कि 10 से 15 सांप होंगे, तो आप समझ सकते हैं यहाँ हमारा कोई जान पहचान नहीं है, वीडियो के माध्यम से पहचान है, सब लोग वीडियो से जानते हैं। हाँ अच्छा, आप लोग इसके पहले कभी आपको पहचाना ही गाड़ी से था, जो अभी आपकी गाड़ी का वीडियो पड़ा है ना? जी जी, लखनऊ वाला जी, गांव में गए ना तो हमने तुरंत पता चला ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा एथलीट है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, देखने पता चल रहा है कुछ न कुछ। तो इसने आपको गाड़ी से ही पहचाना जब आप उधर निकल गए? जी जी जी। हाँ आप अपना एक बार नाम पता बता दें। मेरा नाम केशव पाठक है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, गाँव आसफपुर पड़ता है जी, तहसील बिसौली। थैंक यू, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आइए प्लीज़ कम आपको दिखाते हैं, बस आप नज़रें जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। दोस्तों यहाँ से मैं आपको सीधा वहाँ लेके चलता हूँ कुएं के पास में, है ना सर? आइए प्लीज़ कम। कहाँ है कुआं? अंदर है। दोस्तों हमारे भारत में जब से अपना देश ये आजाद हुआ तब से हमारे गांव में पानी की व्यवस्था के लिए टुल्लू पंप या मशीन, इंजन, इन सब सारी चीज़ों का निर्माण किया गया, कुएं की खुदाई हुई उन्हीं पानी की व्यवस्था से। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं खेत खलिहान, खुला मैदान, आसमान के नीचे जो अन्न की उपजाऊ के लिए ये दोस्तों मशीन लगाई जाती थी, क्योंकि अन्न में प्राण बसते हैं जो इंसानों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये दोस्तों कुआं खुला है, इसके ऊपर से ये कोठरी बनी हुई है। थोड़ा से दोस्तों काफ़ी पुरानी कोठरी होने की वजह से ये रूम थोड़ा डैमेज हो चुका है, डर और एक भय भी बना है। अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। कुएं में सबसे पहले कौन देखा था सांपों को? हम नहीं देखा। आप देखे थे? अच्छा, ये सांप लगभग कितने दिन से गिरे हैं? हमने जब मतलब देखा तो लगभग 3-4 महीने हो गए। और तब से आपने कभी किसी को बुलाया नहीं? बुलाया मतलब बातचीत करते रहे, पर कोई बात नहीं ना कि मतलब वो पकड़ के ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये इस चक्कर में नहीं। अच्छा अच्छा, दोस्तों इनको एक ये लगा सदमा कि कुछ लोग आए इसको पकड़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, तो इनको ये लगा शायद ये बेच देंगे या मार डालेंगे या क्या करेंगे, दांत वगैरह तोड़ देंगे, दांत वांत तोड़ देंगे, ऐसा ही कुछ इनको ये लगा, इसलिए इन्होंने उस पर राजी नहीं हुए, उनको मना कर दिए, फिर जाके हमको बुलाए। तो दोस्तों आप ये आँखों देखा हाल आज इसे देख के समझ सकते हैं, ये दोस्तों पूरी तरीके से मजबूत एक कोठरी बनी थी, काफी पुरानी और डैमेज हो चुकी है। सीढ़ियां हैं क्या? सीढ़ी में होइए एक बार, सीढ़ी उठा दियो दोस्तों, ये सीढ़ी आ चुकी है और नीचे करिए। हाँ तो दोस्तों आप ये देख के समझ सकते हैं ये लगभग 100 साल पुराना कुआं था। और बात ये दोस्तों कि हर कोई वीडियो को देखता है, कुछ लोग हैं जो बीच में उंगली करते हैं, कमेंट करते हैं कि ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों जब आप बाहर निकलोगे तब तो आपको पता चलेगा, मैं पूरे भारत के कोने कोने जाता हूँ, यहाँ से 700 किलोमीटर दूर हमारा शहर है, आज मैं इस शहर में आया हूँ लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा आप ये बताएं चाचा, यहाँ फॉरेस्टर महोदय को बुलाए थे? मतलब वही आए थे, डिप्टी रेंजर जो होते हैं। हाँ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने
उनके पास टीम नहीं थी। अच्छा, इसको पकड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं चाचा की जुबानी, जिनका ये कुआं, जिनका ये घर खेत मकान सांप है। और बात ये दोस्तों कि हर कोई वीडियो को देखता है उसको शक होता है कि ये सांप इसमें डाला गया है, सांप ये डाला गया है। नहीं नहीं, अपने आप गिरे। चलिए मैं अंदर चलता हूँ, आप वीडियो के साथ बन रही है। हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं? गैस वैस तो नहीं इसमें कुछ? मतलब थोड़ा बहुत खुलता है, गैस तो नहीं है, अब देख लो। तो दोस्तों अब हम काफी नीचे आ चुके हैं, तो अब मैं चाहूंगा दोस्तों हमारे कैमरामैन मिस्टर सतीश जी नीचे आए। दोस्तों जैसे ही ये फोटो और वीडियो गया तो मेरे मन में एक खुशी आई कि चलो एक बार फिर से मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला, क्योंकि जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ पूरे भारत में, लगभग पूरी दुनिया में, ये आपकी मोहब्बत है, आपकी ताकत है और इनका आशीर्वाद है, क्योंकि जिनके प्राण को आप बचाएंगे कहीं ना कहीं दोस्तों दुआएं मिलती हैं, एक खुद के मन में भी आशा और विश्वास जगता है, उमंग होता है, हौसला मिलता है कि मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ। एक बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों कि जाको राखे साइयां और मार सके ना कोई। आप देख सकते हैं इसके अंदर रेड स्नेक है, लेकिन दोस्तों किसी को क्षति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, इसी बात की बड़ी खुशी है। और अब मैं दोस्तों अविलंब बगैर देर किए हुए मैं कुएं के अंदर जाऊंगा, आपको एक एक चीज़ों से रूबरू कराता हूं। आज दोस्तों इनको बचा करके जो मुझे सुकून और शांति मिलेगी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी सुकून मिलेगा। चलिए अब मैं दोस्तों बाहर निकलता हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं साक्षात इसी को दोस्तों मौत का कुआं कहा गया है। इस वीडियो को देखिए आप काफी नहीं कीजिएगा, दुआएं रखिए, निकलता हूँ वहां फिर आपसे। ये ध्यान रखिएगा ऊपर से कुछ गिरने ना पाए, बड़े को गिरना पीछे नहीं पड़ती है, ग्लव्स देंगे क्या? दोस्तों ये ग्लव्स हो चुका है अपनी सेफ्टी के लिए और इन मेजबानों की भी सेफ्टी के लिए। चलिए ये भी इनको इनसे बचाया जा सकता है। बैग छोड़िए। चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी मैं आज आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। चलिए तो दोस्तों इनकी पूरी लंबाई 2 मीटर के आसपास होती है और ये इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम जहर पाए जाते हैं। ये बगैर दबे बगैर किसी छेड़छाड़ के किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अपने बचाव के लिए ही किसी को काटते हैं। इसी को निशाचर भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रात के अंदर भ्रमण करते हैं। जब भी ये सांप निकलता है रात में तो इसका जो पसंदीदा भोजन है वो छोटे छोटे मेंढक के बच्चों को अपना निवाला बनाता है, और कभी कभी इंसान के पैरों से दब जाने की वजह से ये हमें सीधा आपको बाइट करता है। इसकी काट लेने के बाद में 2 से 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है, इससे सही टाइम पे इलाज नहीं हो पाया। तो शांति से खड़े रहिए भैया। ये दोस्तों एक साथ इतने सारे ये हो गए इंडियन कॉमन क्रैट, जो दोस्तों भारत के सबसे जहरीले सांपों में एक है, जिनका नाम बहुत बेसुमार है। इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक जहर पाए जाते हैं। ये रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, रात में ही ज्यादा
बाहर निकलते हैं। दोस्तों ये मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप एक बार देख लीजिए। इस प्रकार के मंजर आप नहीं देखे होंगे। होता ये दोस्तों की जमीन की कभी कभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल जाती है, तो ये इस प्रकार से शायद कभी कभी जमीन के प्रजनन के टाइम होते हैं तो ये आ जाते हैं। भैया शांति बनाए। बोलो दोस्तों, ये हमारी जिंदगी का पहला ऐसा मंजर है। दोस्तों जरा इनका भी देख लीजिए, ये बेचारे भी इधर से उधर भाग रहे हैं। एक साथ दोस्तों लगभग ये कितने सांप होंगे? फिर भी 8 तो होंगे ही। क्या दोस्तों आप ऐसा मंजर कभी देखे हैं? अगर देखे हो दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन्हें अब हम पैक करेंगे, इंतजार की घड़ी समाप्त होती हुई। थैंक यू। एक और अभी ये दोस्तों आप इसे देख कर समझ सकते हैं, ये काफी छोटा सा, ये छोटा है दोस्तों, अभी ये बेबी है, लगभग ये 1 महीने का बच्चा है इसके अंदर गिरा है। इसकी बहुत सी वैरायटियां हमारे भारत में पाई जाती हैं। चलिए हम इसे पैक भी कर देते हैं, समय कम लेंगे। इसके अंदर दोस्तों थोड़ी सी गैस जैसी प्रॉब्लम है, ये एक दूसरा पैक देंगे। चलिए दोस्तों आप बचे हुए हैं 3 इंडियन रेड स्नेक, इनको भी पकड़ने से पहले मैं बैग को ऊपर लेता हूँ। चलिए सर, अब ये दोस्तों रेड स्नेक है, इसकी पूरी लंबाई दोस्तों लगभग हमारे भारत में 9 फीट के आसपास होती है। ये दोस्तों अपनी पूंछ से भी मारता है, कभी इसके ऊपर जब खतरा महसूस होता है ये बहुत तेजी से काटता भी है और भागता भी है। यह दोस्तों चंचल प्रकृति का सांप है, इसे मारना नहीं चाहिए। दया नाम की चीज मालिक ने सिर्फ इंसानों में दे रखा है, इसे मारेंगे आप इसे बचाएगा कौन? ठीक, इसे दोस्तों कहीं कहीं पर किसान मित्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए ये दोस्तों इसकी जो पकड़ है ये एट बनाता है, एट इंग्लिश का जो एट होता है, ठीक उसी प्रकार से कभी कभी दोस्तों ये कोबरा सांप की तरह फूंक भी मारता है। ये 3 ठो गिरा हुआ है इसके अंदर। ये दोस्तों एक और है, ये छिपने की फिराक में इस प्रकार से बेचारे भाग रहे हैं। ये तो दोस्तों पूरी तरीके से लंबा भी है, एक छोटा भी है, और हम आपको दिखा देते हैं एक और बचा हुआ है। ये मिट्टी ने गिरने पर ये दोस्तों आप देख लीजिए, ये थोड़ा थका हुआ है, ये इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये काफी खाया पिया नहीं है। ये बेचारे धीरे धीरे सोच रहे हैं कि काश मैं बाहर निकल जाता या मुझको कोई निकाल देता। तो दोस्तों हमारा आपका ये फर्ज है, इनको बचाया जाए, इनको निकाला जाए। चलिए सर, अचानक हमारी टोट पड़ गई है। हाँ तो देखिए, तब से हम चक्कर में लोग बदलते हैं, यहाँ दराज में से ना निकल जाता, मतलब जंगल है, जंगल में तो निकल जाएंगे बस। चलिए दोस्तों इन सभी को यहाँ से बचा लिया गया है, और 3 इंडियन रेड स्नेक और लगभग दोस्तों 8 से 10 के आसपास। ये कोई और ना रह जाए एक बार, एकदम सर हम विधिवत ढूंढते हैं, आप घबराइए नहीं। बड़ी बात ये दोस्तों, आज एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर स्कॉर्पियन गिरा हुआ है। सीसी में भर दो ना, छोड़ देंगे बाहर। कुछ है निकालने के लिए? कुछ है? चलिए दोस्तों अब मैं बारी आ चुकी है स्कॉर्पियन को उठाने की। ये ब्राउन भी है और काला भी है, बहुत डेंजर है। मैं आया हूं ना, अब तो बंद कर ले, तू आता है पलंग ना हटा ले, मतलब राइट डाउन नीचे कर दो आज ना हटा। ये 3 ही थे ना? चलिए तो इनको जो है यहां से निकाल दिया जाता है, थोड़ा देखने छेद कर दिया जाता है, ऑक्सीजन निकलता रहेगा। ये हो गया दोस्तों, इसके अंदर 3 स्कॉर्पियन और लगभग 11 इंडियन कॉमन करेंट और 3 इंडियन रेड स्नेक को
बचा लिया गया। निकलते हैं दोस्तों बाहर की दिशा में और आपको दिखाते हैं इस वीडियो को दूर दूर तक, शेयर करके ऐसे बेजवानों को बचाने में प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। दोस्तों हौसला नाम बनाने में, जुबा पे हौसला नाम लाने में बहुत सी मेहनत करना पड़ता है। यूं समझ लीजिए दोस्तों, जीने के लिए मरना पड़ता है, बहुत मरना पड़ता है। चलिए निकलता हूँ सर, सीढ़ियों को लाइए। चलिए दोस्तों, ये इन सबको एक साथ कुएं से बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों इसे देख ऐसा लगता है जैसे मैं गोदाम से बहुत सारी चीजों को ला रहा हूँ, हीरे जवाहरात हमारे लिए दोस्तों यही है। भाई बाहर चलते हैं। थैंक यू। यस भैया, कैसा लगा आप लोगों को? तो दोस्तों चलते हैं वहां पे, मैं आपसे फिर मिलता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। आइए बिंदास आइए। दोस्तों ये इनका कहने का मतलब है ये बिच्छू है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए किनारे में, तीन है। चलिए सर इसको यहीं छोड़। सारी चीजों को, ये जो आपने वीडियो को देखा आपको सही लगा, मैं सही सांपों को पकड़ता हूँ, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, मुरली वाले हौसला का जो नाम है, जो पहचान है, वो बहुत ही मेहनत से एक अच्छी टीम के साथ और एक अच्छे लोगों के साथ ये मुकाम मिलता है, बाकी माता पिता का आशीर्वाद है। मैं भी दोस्तों बच्चा हूँ, सांपों की दुनिया बहुत बड़ी है। और दोस्तों हमारे भारत में जितने भी सर्प मित्र हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो भी बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और लोग उंगली बड़े आराम से उठा देते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपसे अपील है इस वीडियो को भी दूर तक आप फिर से शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। और अगर आपके कहीं आसपास कुएं में कोई ऐसा बेजुबान गिरा है तो प्लीज़ आप हमको फिर से याद कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मेरी बात, मेरे शब्द आपके चरणों में समर्पित होते हैं। जय हिंद, बाय। ऐसा लगा हम सब तो फैन है भाई साहब। अच्छा अच्छा सब देखने को मिला आपको? हाँ हाँ एकदम एकदम, क्योंकि मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। अच्छा जी जी, तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो फिर आपको याद करेंगे बेशक। हम आप दोबारा आपके चरण कमल पर, अरे क्या आप, अरे नहीं फिर आ जाएंगे हम। हाँ ये दोबारा था, ये दोबारा जी जी, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो जीव ना बोल सकता है ना अपनी परेशानी कह सकता है, जीवों के लिए आप काम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम, चलिए बड़ा धर्म का काम, और मेरी तो आपके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा बस आशीर्वाद आप निरंतर ऐसे ही जो है सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों ने देखा एकदम सही लगा, वीडियो आप जिस तरीके से काम कर रहे थे अंदर, जी जी, जहां हम स्वयं नहीं उतरते। हाँ ये सोचिए कि कितना बड़ा काम है जी। सांप आसपास थे आपके सब जी, और आप बीच में खड़े हुए थे, ये दृश्य एकदम अद्भुत है, ये यहाँ पे किसी ने नहीं देखा होगा, यहाँ जितने लोग हम हैं जी जी, स्थानीय हैं सब सारे के सारे, ये दृश्य पहली बार देखा है। अब जैसे चाचा जी ने आपकी वीडियो देखी तो आपके फैन हो गए, लेकिन हमने तो लाइव देखा आपको सबसे पहले, आज ही देखा, तो हम तो बिल्कुल लाइव फैन है आपका। थैंक यू, और आपकी वीडियो आप देखेंगे भी और उसे लाइक भी करेंगे। चलिए चाचा जी दोस्तों मैं आशीर्वाद लेता हूँ जिनका कुआं था। और एक बात है दोस्तों, जिसको डाउट होता है, यहाँ का गाँव का नाम पता आपको बता दिया गया है, आप यहाँ पर आकर के कन्फर्म कर सकते हैं। और ये चाचा जी हैं, इनके लिए एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक करके आप मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू, सही ना जी। चलिए तो दोस्तों काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद जद्दोजहद हुआ, इन सांपों को कुएं से तो निकाल लिया गया, लेकिन दोस्तों जिनका कुआं था उनको ये डाउट हो रहा था कि कहीं हम सांप को लेकर के जाएंगे, उसे मार तो नहीं देंगे या नहीं छोड़ेंगे या उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे, है ना। लेकिन दोस्तों मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि ये सांप को पकड़वाए और अपनी नज़रों के सामने छुड़वाना चाहते हैं। आप भी इसी प्रकार से बेजुबानों को बचाने के लिए चाचा की तरह आप इनसे सीख लीजिए, सांपों को रेस्क्यू करवाइए और उनको अपनी नज़रों के सामने रिलीज़ करवाइए। चलिए हम इसे यहीं पर रिलीज़ कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों उसको रिलीज़ करेंगे जो बिल्कुल भी नान बेनवस हैं, और जहां पर दोस्तों हम इन सांपों को छोड़ रहे हैं यहां पर कोई घर मकान परिवार
नहीं रहता, ये जंगल झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप इसे देख के समझ जाइए, ये हमारे भारत का एक ऐसा सांप है। चलिए अब बारी आ चुकी है दोस्तों दूसरे सांप को रिलीज करने की। तो एक ऐसा सांप जिसका नाम लेते ही दोस्तों जुबां पे सिहरन सी आ जाती है, ये दोस्तों निशाचर सांप है जिसे रात में ही ये ज़्यादा निकलता है और लोगों को बाइट करता है। दोस्तों जब भी इस प्रकार के सांप अगर बाइट करते हैं तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई झाड़ फूक नहीं, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें। दोस्तों इन बेजबानों को यहाँ पर रिलीज करके बहुत ही सुकून और शांति मिली। किसी वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय।